इसी बीच एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर अगले माह होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश का जो सियासी पारा है वो बढ़ा हुआ है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी समेत सभी दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम सियासी चर्चाओं के बीच फूलपुर सीट से सपा प्रत्याशी मुर्तजा सिद्दीकी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले खबर आई कि उपचुनाव में सपा फूलपुर सीट भी कांग्रेस को दे सकती है। पर्चा भरने के बाद सपा प्रत्याशी सिद्दीकी का कहना है कि उन्हें आलाकमान से कोई निर्देश नहीं मिला, उन्हें ऐसे किसी निर्णय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फूलपुर सीट कांग्रेस को दिया जा सकता है। आपको बता दें कि सपा कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट देने पर राजी है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इनसे खुश नहीं है। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया गया है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई और सपा कांग्रेस को फूलपुर सीट देने को भी तैयार हो गई। इस तरीके से उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा 7 और कांग्रेस 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले कांग्रेस से गठबंधन फाइनल किए बगैर 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। सपा के 7 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे गए उसमें फूलपुर सीट से मुर्तजा सिद्दीकी, करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, मंझवा से ज्योति बिंद, मीरापुर से सुम्बुल राणा, कटहरी से शोभावती वर्मा, इन्हें टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कई मौकों पर ये बातें दोहरा चुके हैं कि दोनों पार्टियां मिलकर के ही उपचुनाव लड़ने वाली है और इसी को लेकर के समय सियासी सरगर्मी उत्तर प्रदेश में तेज है। फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, मंगेश यादव का इसी तरीके से फर्जी इनकाउंटर किया सुल्तानपुर घटना में, अजीत प्रताप सिंह का मिट्टी का किया, दो घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बारिश में। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सारी चीजें की।